था इंडियन होटल्स और इसकी डिटेल डिस्कशन हुई थी छः सौ रुपए पर था वो स्टॉक का जब वो डिस्कशन हुई थी मैं वीरू और मेरी डिस्कशन थी वो विरू आपको याद होगा और हमने काफ़ी इसकी डिटेल डिस्कशन की थी कल छः सौ का छः सौ दो हुआ आज सुबह गावा सर ने इसको पिक किया अब आज का हाई छह सौ बारह के करीब एक बार गावा सर की पिक लेकर आइए जो सुबह सुबह गावा सर ने दी थी छः सौ पच्चीस के टारगेट थे पाँच सौ सत्तानवे के स्टॉप लॉस थे गावा सर अब इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पर एडजस्ट करें

Uh, उन्होंने स्टॉक पर एक uh, काफी पॉजिटिव व्यू दिया था इस समय uh, तो वेदांता में अच्छा मोमेंटम uh, धर्मेश जी है क्या आपके रेडार पर वेदांता जी बिल्कुल है और मुझे लगता है कि जो पूरा कॉमोडिटी स्पेस है इनका भी एक अपसाइकिल चालू हुआ है और ये चलता रहेगा बिकॉज जिस तरह से कॉमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ट्रैक्शन चल रही है और वो इतनी जल्दी थमने वाली है नहीं यहाँ पर यूएस एक्सपेंशन बोर्ड में जर्मनी एक्सपेंशन बोर्ड में चाइना एक्सपेंशन बोर्ड में इंडिया चल रहा है जापान अच्छा कर रहा है तो कॉम्योनिटी के मिडल्स और माइनिंग की जो स्टॉक्स हैं वहां पर ट्रैक्शन लगी और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काफी बड़े डाउन साइकिल के बाद अब इनका अप साइकिल चालू हो रहा है दो तीन साल का इनको काफी तकलीफ में थे ये सब सो वहां पे वेदांता में एक अलग इश्यूज रहती है इनके कॉपोरेट गवर्नेंस को लेकर और थोड़े डेट को लेकर रिस्ट्रिक्शिंग ये सब पे सवाल लेते हैं बट मुझे लगता है काफी वैल्यूज़ कंपनी के अंदर और पंद्रह बीस परसेंट जस्ट मोमेंटम ट्रेड में आगे भी इसको मिलना चाहिए साढ़े चार सौ के आसपास ये स्टॉक जा सकता है इस बीच निफ्टी मेटल नेक्स्ट डे हाई पर और जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं नेक्स्ट डे हाई पर पहले अगर आप देखें इसके ऑल टाइम हाई भी इसी जोन में आते हैं मेरे ख्याल से इंटरडे बेसिस पर जो इसका ऑल टाइम हाई है दैट्स आई थिंक 9063 जीरो सिक्स थ्री तो हार्डिक साठ पॉइंट का डिफरेंशियल है मेन वाइल जरा एक बार बैंक निफ्टी लिखा है बैंक निफ्टी अपने मॉर्निंग हाईस को अभी अभी तीन टिक्स में अटैम्प्ट किया इसने एक बार जरा गेनर्स की श्रेणी को देखते हैं अनुज लास्ट दो दिन से पोस्ट आई थिंक अर्निंग्स एच बैंक का वो गैप अप और गैप अप के बाद सिंक हो जाना ये निफ्टी बैंक को थोड़ा सा चैलेंज कर रहा है एज़ ऑफ नाउ आई थिंक एक्सपायरी डे के लिए अब एच डी एफ सी बैंक ही गेनर्स की श्रेणी में आके सबसे ऊपर खड़ा हो गया क्या लग रहा है इस वक्त क्या फीलिंग आ रही है इस एक्सपायरी डे के लिए <laughs> मैं आज सुबह एक एग्जाम्पल यूज़ कर रहा था एक बिल्ली का क्योंकि वो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल होती है तो जिनके पास पेट्स होते हैं वो समझते हैं इस चीज़ को आ, ये बहुत अनप्रडिक्टेबल है फिर वो एच डी एफ सी बैंक और ये इसमें किसी को भी बहुत टफ़ होगा करना रेंज बन चुकी है हमने लगातार रेंज डिस्कस किए साढ़े चौदह सौ से साढ़े सोलह सौ अब दिक्कत क्या है कि उसके बीच में एक एक दो दो परसेंट के मूव जो है ना वो एक्सपायरी आज का जो मूव होगा ना एच डी बैंक पे वो ध्यान रखिएगा वो पूरा का पूरा वही वो ऑप्शन सेलर्स और ऑप्शन बायर्स जो है ना वो जो हेज फंड्स हैं वो लेके आएंगे इसमें वो अपने हिसाब से स्टॉक को उसी तरीके से मूव कराएंगे तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली रहें तो बेटर है क्योंकि इसमें एक नहीं इसमें आज आपको पाँच छः स्विंग दिखेंगी एच बैंक में तो इसके लिए अभी ये स्टॉक जो है ना मतलब थोड़ा सा उस लेवल का नहीं है जो मतलब एक टाइम पे हुआ करता था थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो मेरे ख्याल से मैं तो किसी मूव को भी बिलीव करने वाला हूँ नहीं इसमें एच डी एफ सी बैंक में आज के मूव को तो मैं किसी मूव को भी बिलीव नहीं करूँगा चाहे अपसाइड पर हो चाहे डाउन साइड पर हो क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और बहुत पैसा लगा होता है ऑप्शनस में तो एच डी एफ सी बैंक में इस तरीके के मूव आएंगे इसमें कोई डाउट नहीं है हाँ